फतेहपुर जिले से जहानाबाद आदर्श नगर पंचायत कार्यालय सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को केक काटकर मनाया गया। वहीं वक्ताओं ने उनके जीवन तथा विश्व में आज उनकी छाप को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री का जन्म दिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए कहा कि भाजपा सरकार की जन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान कर सरकार की योजनाओं का भी बखान किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रमुख रूप से समाज सेविका मोना शुक्ला, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के विधानसभा संयोजक डॉक्टर ओम प्रकाश पाल, सभासद इंद्रपाल गुप्ता, मंडल अध्यक्ष लाल सिंह सूर्यवंशी, सभासद महेश चौरसिया आदि ने सरकार के उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के कर्तव्य द्वारा आज देश विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। जहां एक ओर भारत पिछड़े देशों की लाइन पर था, किंतु आज प्रधानमंत्री मोदी के कर्तव्य निष्ठ कार्यों के चलते अग्रणी भूमिका निभाने का कार्य कर रहा है। वहीं सरकारी योजनाओं से आज बिचौलियों का काम खत्म होकर अब सीधे लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही सबका साथ सबका विकास के नारे के तहत सरकार काम कर रही है। इस मौके पर नगर पंचायत द्वारा एक प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ और वरिष्ठ लिपिक राघवेंद्र सिंह ने सेवा स्वच्छता पखवाड़ा मनाने की बात कही। वहीं क्षेत्रीय विधायक ने स्ट्रीट वेंडरों को प्रणाम पत्र देने के साथ उनको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत अत्यधिक स्वावलंबी बनने की बात कही। वहीं इस मौके पर प्रमुख रूप से नगर पंचायत कर्मचारी एवं वार्ड सभासद और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। मीटिंग हॉल में आप सभी लोगों का सादर अभिनंदन हो रहे और इसी खुशी में पार्टी ने व पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये जो प्रदर्शनी यहाँ हाल में लगी है